नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। औरंगाबाद साइबर थाना से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां फर्जी फेसबुक पर आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल किया जा रहा था। जब मामला पूरी तरीके से साइबर थाना को पता चला तो एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान किया गया। उसके बाद तकनीकी अनुसंधान के क्रम में एक युवक को पकड़ा भी गया। इस मामले में औरंगाबाद साइबर डीएसपी डॉक्टर अनु कुमारी ने एक प्रेस वार्ता कर इस मामले की पूरी जानकारी दी है। आइए आगे सुनते हैं साइबर डीएसपी अनु कुमारी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही हैं। कुमारी नाम पे एक फेक फेसबुक आईडी बना करके एक अश्लील वीडियो और फोटो को वायरल किया जा रहा था, जिसके आलोक में औरंगाबाद साइबर थाना कांड संख्या 1724 दिनांक 8/4/24 को कांड प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके आलोक में राजमंगल कुमार तकनीकी विश्लेषण के सहयोग के बाद में बाकी जो हमें जो मेटा जो रिपोर्ट दे दी है उसके विश्लेषण के आधार पर राजमंगल कुमार को दिनांक 14/6/24 को बंदिया में इनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। जो हमारा जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उनका पूर्व इतिहास भी रहा है, आपराधिक इतिहास भी रहा है, जहाँ पे गो थाना में वो पॉस्को एक्ट के तहत पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। जेल से छूटने के बाद भी अन्य कई सारी महिलाएं हैं जिसका इन्होंने फेक फेसबुक आईडी बनाया है जहां पे अश्लील फोटो और वीडियोस को इनके द्वारा वायरल किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है राजमंगल कुमार, पिता जय प्रकाश विशाल, थाना बंदिया के हैं ये। इसमें एक मोबाइल को बरामद किया गया है और उस मोबाइल से ही जो इनके द्वारा जो फेसबुक पे पोस्ट वायरल की जा रही थी वो उस मोबाइल से मिल चुका है। पूर्व आपराधिक इतिहास से जो हमारे टीम में जो पुलिस पदाधिकारी शामिल थे वो थे पूनी बबन बैठा, रंजीत कुमार, कुआनी आनंद कुमार गुप्ता, इसके अलावा महिला सिपाही रोशनी कुमार। किस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई? ये फेक फेसबुक आईडी जो बना था जिसमें कि अश्लील फोटो और वीडियो वायरल किया जा रहा था उसके संदर्भ में इसे गिरफ्तार किया गया। कारण क्या है? निशु कुमारी नाम की एक महिला है, उनका एक ऑब्सीन वीडियो को वायरल किया जा रहा था इनके द्वारा। निशु कुमारी कहाँ की रहने वाली? निशु कुमारी पॉस्को एक्ट में ये 2023 में जेल गए थे। हो रहे हैं जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से के अलावे भी जो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है। अभी जो सबसे लेटेस्ट केस जिसका आप लोग भी वो हो सकते हैं वो है कि अभी हमने देखा है जस्ट 2-3 दिन पहले जब आप लोग कुछ भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो एक DTDC से आजकल बहुतों के उस पर एक मैसेजेस आ रहा है जहाँ पर वो आपको बताते हैं कि जो आपका जो सामान जो डिलीवर होना है उसका एड्रेस जो है वो प्रॉपर नहीं है एंड इसके लिए वो आपको एक लिंक भेजते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पैसा है वो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन APK फाइल्स, आपका जो पैसा है वो विड्रॉ हो जाता है। बैंगलोर में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पे कुल 10 लाख रुपए के आसपास की धोखाधड़ी ऑलरेडी इसके थ्रू की जा चुकी है। सिमिलरली हम सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी आपसे बताना चाहेंगे, आप किसी भी व्यक्ति से जितने भी क्लोज हो कभी भी अपना फोटो वीडियोस को कृपया करके शेयर ना करें, तथा आप जब भी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को जब भी यूज़ करते हैं तो उसका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके रखें।